सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों का अपने ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज़ चैनल की आज सुबह 7 बजे की सच्ची खबरों में स्वागत है। भाइयों बहनों, आज आप सबके लिए इस वीडियो में कई बड़ी जानकारियां हैं। उनमें से सबसे पहले तो आपको कल 1 अक्टूबर से आंगनबाड़ी केंद्र संचालन के संबंध में जारी आदेश को दिखाना चाहेंगे, यानी अब कल से शीतकालीन सत्र बहनों शुरू हो रहा है, जिसमें अब आंगनबाड़ी जो केंद्र हैं उनके खुलने का और बंद होने का जो समय है वो बदल जाएगा। तो कल से आंगनबाड़ी बहनों आपका जो समय है वो रहेगा 10 बजे से 2 बजे। अब ऐसे में ये जो आदेश आप देख रहे हैं ये उत्तर प्रदेश में निदेशालय से आदेश जारी हुआ था। इस आदेश को आनंद कुमार सिंह जी जब निदेशक थे 2013 में, 22 मार्च 2013 को उन्होंने पत्र निकाला था, 282 जिसका पत्रांक था, और उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के जिला कार्यक्रम अधिकारी और प्रभारी जिला कार्यक्रम अधिकारी को लेटर भेजा गया था, जिसका विषय रखा गया था कि आंगनबाड़ी केंद्र के संचालन के संबंध में, और नीचे लिखा गया था कि सम्यक विचारों उपरांत आंगनबाड़ी केंद्र के संचालन का जो समय है वो निम्नवत निर्धारित किया जाता है, जो कि आप देख सकते हैं ग्रीष्मकालीन यानी गर्मियों में जो रहता है वो 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक रहता है, और आज यानी 30 सितंबर है, आज ग्रीष्मकालीन सत्र का आखिरी दिन है। कल 1 अक्टूबर से फिर शीतकालीन सत्र शुरू हो जाएगा। तो अब ऐसे में जो अभी तक रहा समय वो 8 बजे से 12 बजे तक रहा, लेकिन अब जो कल से रहेगा वो ध्यान से यहां पर देख लीजिए, कल यानी 1 अक्टूबर से शीतकालीन सत्र शुरू होगा और 1 अक्टूबर से लेकर के 31 मार्च तक चलेगा। अब इसमें जो आंगनबाड़ी केंद्र संचालन का समय है वो सुबह 10 बजे से दोपहर के 2 बजे तक आंगनबाड़ी केंद्र संचालित किए जाएंगे। अब ऐसे में सभी आंगनबाड़ी केंद्र उपयुक्त समय के अनुसार ही संचालित होंगे, चाहे वह प्राथमिक स्कूल के परिसर में संचालित हो रहे हों अथवा किसी अन्य स्थान पर संचालित हो रहे हों। ये लेटर 2013 के अकॉर्डिंग है, लेकिन 13 में कुछ चीजें ऐसी थी जो नहीं थी, जैसे कि गृह भ्रमण, जैसे कि आपके अभिलेखों का रख रखाव के लिए एक्स्ट्रा कार्य करना, तो वो कुछ चीजें ऐसी हैं घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा कार्य जो छुट्टी के बाद का है वो आप अलग करती हैं, जैसे अभी तक करती रही हैं। अभी अगर 8 बजे से जितने बजे तक आप रही हैं तो अब 10 बजे से जाएंगी तो 2 घंटे उस साइड में जो है बढ़ जाएंगे। इस तरह से कुछ चीजें देखने को मुझे मिली हैं। वहीं आगे चलते हैं, आपको अवगत कराना चाहेंगे कि आज 30 सितंबर है और आज से प्रदर्शन बहनों का उत्तर प्रदेश में स्टार्ट हो रहा है आंगनबाड़ी अधिकार संयुक्त मोर्चा की तरफ से। अब ऐसे में आज भी प्रदर्शन होगा कई जनपदों में, और कई जनपदों में कल और परसों भी होगा, कई जनपदों में तीनों दिन प्रदर्शन किया जाएगा, जिनमें से सुमन लता बहन है पीलीभीत जनपद से आती हैं, उनके वहां पीलीभीत जनपद में जो प्रदर्शन है वो किया जाएगा 1 तारीख को। अब इस संबंध में यहां पर लिखा भी गया है कि हम लोगों का धरना 1 तारीख को होना है जिला स्तर से। ये चीजें यहां पर आप देख रहे हैं, बैठक बैठक भी सब कर ली गई है, और जो प्रदर्शन के लिए बहनों को इकट्ठा होना है उसमें लिखा गया है जय संत श्री मंदिर के प्रांगण में 1 तारीख को बहनों का धरना है, 1/10/2024 दिन मंगलवार, यानी कि आप देखिएगा कल हमारी बहनों का प्रदर्शन वहां पर देखने को मिलेगा। बाकी यहां पर हमारी बहनें जो हैं वो इकट्ठा हुई हैं, एक साथ उनका फोटो भी आप सब देख सकते हैं। तो कहना चाहेंगे तमाम जनपदों में बहनों ने आज कल परसों तीनों दिन के धरने को लेकर जो परमिशन है वो अपने जिला स्तर से डीएम डीपीओ सीडीओ इनके कार्यालयों में ज्ञापन देकर के ले ली है। तो ऐसे में जो कि जिला स्तर की जो भी होती हैं वो परमिशनें वो इसी तरह से ले ली जाती हैं। लखनऊ स्तर का जब होगा प्रदर्शन तो हमारी बहनों लखनऊ स्तर से भी परमिशन ले ली जाएगी, तो उस संबंध में जो है उत्तर प्रदेश सरकार के स्तर से कहीं ना कहीं जो भी चाहे जहां से परमिशन ली जाती हो ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी प्रक्रियाएं हैं वो अपना संग ले लेगा, उससे रिलेटेड भी चीजें आई हैं। बाकी कहना चाहेंगे यहां पर सहमा बहन की तरफ से ये अधिकार संयुक्त मोर्चा उत्तर प्रदेश का एक ज्ञापन भी नोटिस सूचना दरअसल ये है,
ये भी भेजी गई है। आइए देखते हैं, इसमें विभाग को अवगत कराया गया था, माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए ये लेटर भेजा गया था, जिसमें भेजने से पूर्व ही लेटर जब टाइप हुआ है तभी ऑल इंडिया को भेज दिया गया था। कुछ समय पहले या कुछ दिन पहले कह लीजिएगा, ऑल इंडिया ने इसको दिखाया भी था, और उसमें भी मैंने कहा था कि डेट नहीं पड़ी है। वजह यह है कि भेजने से पहले ये लेटर ऑल इंडिया को भेज दिया गया है। साथ ही यहां पर लिखा गया है कि आंगनबाड़ी केंद्र पर ECC एजुकेटर भर्ती रोकने और अन्य लंबित मांगों को पूरा कराने के संबंध में ये लेटर लिखा गया, जिसमें कहा गया कि सादर जैसा कि आप अवगत हैं, 15 से 35 वर्ष तक की आंगनबाड़ी पर सेवा करने वाली कार्यकर्ती सहायिका के रिटायरमेंट के उपरांत बिना किसी एक मुक्त फंड या धनराशि या पेंशन दिए बिना सेवानिवृत्त उनको कर दिया जाता है, जिसका शासनादेश COVID-19 काल में जारी किया गया। कोविड काल में अपनी बात शासन प्रशासन के समक्ष हम लोग नहीं पहुंचा पाए। उक्त सरकार के आदेशों का पालन करते हुए कोरोना महामारी में अपनी और अपने परिवार की जान जोखिम में डाल करके भी सेवा कार्य किया। वर्तमान में शिक्षा विभाग द्वारा ECC एजुकेटर भर्ती आंगनबाड़ी केंद्रों का शिक्षण कार्य किए जाने का आदेश जारी किया गया है। तो ये चीजें आपको सुनी सुनी लग रही हैं, क्योंकि मैं इस लेटर को पूर्व में भी दिखा चुका, आज इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आप इसमें ये देख पाए कि यहां पर बताया गया है कि निम्न मांगों को पूरा कराने के लिए समस्त मुख्यालयों पर आंगनबाड़ी अधिकार संयुक्त मोर्चा के माध्यम से 30 सितंबर से 2 अक्टूबर तक धरना प्रदर्शन किया जाएगा। मांगों का जो ज्ञापन है जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से सौंपा जाएगा। तो ऐसे में ये जिला स्तर पर बहनों के प्रदर्शन है और तमाम जनपदों का वहां पर लिया गया परमिशन, या बहने जब भी DM DPO CDO कार्यालय में पहुंची है नोटिस देने धरने के संबंध में, तो वो चीजें फोटो के साथ में भी ऑल इंडिया पर समय समय पर पिछले कुछ दिनों में दिखाई जा चुकी है। तो परमिशन जनपदों में ली जा चुकी है। बिना डर के आप सब बहनों को आगे बढ़ना है और अपना हक अधिकार सरकार से मांगना है, और हम सब आपके साथ हैं। इधर बात करें मांगों को लेकर, हम पूर्व में चूंकि दिखा चुके हैं इसीलिए बार बार चीजों को मैं दोहराना नहीं चाहता हूं। आगे ले चलूं तो कुछ और चीजें हैं। बात करूं हम सत्येंद्र जी की, जो महाराजगंज जनपद से आते हैं, उन्होंने अपने यहां से एक ये मुझे जो है मैसेज भेजा है। ये मैसेज आंगनबाड़ी अधिकार संयुक्त मोर्चा में जो सह संयोजक बहन होंगी उनकी तरफ से कहीं ना कहीं टाइप किया गया है। अकॉर्डिंग टू यहां पर जो लिखा है, जैसे कि इसमें लिखा है मैं आंगनबाड़ी अधिकार संयुक्त मोर्चा का सह संयोजक हूं, ठीक। अब देखिए, मान लीजिएगा ये उन्होंने लिखा या नहीं लिखा, ऑल इंडिया इस बात की भी पुष्टि नहीं करता, ठीक। मैं इतना कहना चाहूंगा इसमें है क्या, इसमें लिखा गया है श्री सुधांशु पटेल जी के यूट्यूब चैनल के माध्यम से पता चला है कि श्रीमती सावित्री चौधरी के संगठन के नाम से 3 दिवसीय धरना प्रदर्शन का परमिशन लिया गया, जो सरासर झूठा व बहनों को गुमराह व भ्रमित करने का काम किया गया है। यानी ये जिनके आरोप थे, यानी सावित्री जी के ऐसे आरोप थे, ऑल इंडिया के आरोप नहीं है। इन बातों को आप पिछले वीडियो में जाकर के स्वयं भी सुन सकते हैं, जिनको भी सुनना हो, या आपने सुना स्वयं ही होगा कि वो चीजें मैंने उसमें भी साफ बोली है कि ऑल इंडिया आंगनबाड़ी सिद्ध करता है मामले में, यानी जो आरोप लगाया गया कहा जा रहा है उनकी पुष्टि नहीं करता ऑल इंडिया, ठीक। आप लोग स्वयं इन चीजों को फाइंड आउट कर लें किसकी वो क्या कमियां रही, किसके स्तर से क्या था, ठीक। इन चीजों पर ज्यादा बहस नहीं करना चाहूंगा, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि यहां पर जो आरोप है, आरोपों को लेकर के चीजों को कहा जाए बेटर रहेगा। खबरों को लेकर के जैसे कि अगर कहा जाए तो वो चीजें कहीं ना कहीं ठीक नहीं होंगी। जो खबरों में आरोप जिन्होंने लगाए हैं, हाँ उनके आरोप सही हैं कि नहीं है, ये आप उन चीजों को लेकर के अपना कह सकते हैं। वहीं हम बात करें यहां पर उनकी तरफ से यह भी कहा गया अधिकार संयुक्त मोर्चा की तरफ से, अगर हमारी सावित्री बहन को कोई दिक्कत है, लगता है ऐसा, तो वो थाने में जाकर के मुकदमा भी अपना FIR वगैरह भी दर्ज करवा सकती हैं। क्योंकि अधिकार मोर्चा की किसी भी बहन की तरफ से ऐसा नहीं किया गया है, इस बारे में भी जानकारियां आई। इस बारे में सैमा बहन ने भी साफ साफ लिखा है और सावित्री जी के लिए यह भी कहा है कि बहन अगर उनको कोई परेशानी हो रही है, कोई परेशान कर रहा है, तो उसको लेकर के भी लिखा है हमारी बहन ने कि हमारी तरफ से ये नोटिस सूचना भेजी गई है, जो मैंने आपको अभी ऊपर दिखाई थी। जो पुलिस प्रशासन सावित्री बहन को अगर कोई परेशान कर रहा है, जैसा कि सावित्री बहन ने कहा था कि उनके पास LIU से सब फोन आ रहे हैं, धरना है आपका इस तरह से, तो अगर बहन हमारी सावित्री जी को कोई परेशान कर रहा है, कोई भी पुलिसकर्मी, तो उसे सैमा बहन ने कहा है कि सैमा जमीर का फोन नंबर ये जो कि है वो दे दो, ठीक। और बाकी नंबर तो सबके पास उनका है, ये सार्वजनिक नंबर है, और दे दो। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात ये है कि पुलिस प्रशासन जो कह रहे हैं या फोन किया है, उनसे उस नोटिस की कॉपी लेकर के भी भेजें, यानी ये भी कर लें हमारी बहन सावित्री जी, तो पता चल जाएगा
कि क्या आखिर पूरा माजरा है। जैसे कि अगर कोई पुलिस प्रशासन में कोई फोन कर रहा है कि आपका धरना है, आपके नाम से ये हुआ वो हुआ, ऐसा कुछ अगर है, तो अधिकार संयुक्त मोर्चा की बहनों का साफ कहना है कि आपके पास जो कोई फोन कर रहा है तो उनसे कह दो कि वो कॉपी दे दें, होगा वहीं से सारा राज खुल जाएगा, आपस में बहनों लड़ने की कोई जरूरत भी नहीं है। अब ऐसे में यही चीजें सामने निकल के आ रही हैं। मेरा यही कहना है सावित्री बहन को, बहन ये पर मिट्टी डालिए, छोड़िए पीछे, और अगर पता ही करना है तो हमारी सावित्री बहन जब कोई फोन करे तो उनसे आप कॉपी मांग लीजिए, या अगर आपको लगता है डीजीपी कार्यालय से परमिशन ली गई, आपके नाम से लेटर वहां पर अधिकार मोर्चा ने भेज करके ले लिया, तो आप वहीं से सीधा वो लेटर मांग लीजिए, निकलवा लीजिएगा। नाम मिल जाए आपका, नंबर सब कुछ उसमें तो ठीक, अन्यथा आप समझ लीजिएगा वो चीजें ठीक नहीं है। बाकी यदि किसी पर किसी भी तरह के आरोप कल भी नहीं मैंने लगाए थे, साफ मैंने बोला था, आज भी नहीं लगा रहा, दोनों पक्षों की बातों को मैंने बता दिया है। अधिकार मोर्चा की बहनों का साफ कहना है कि वो उनकी तरफ से कार्य नहीं किया गया है, और ऐसे में अगर हमारी सावित्री बहन को कोई दिक्कत हो रही है पुलिस प्रशासन से बार बार फोन आने की, तो आप हमारी सैमा बहन का नंबर देकर के उनसे बात करवा सकती हैं, और वो फिर चीजों के बारे में उनसे जानकारी फिर पूछेंगी कि वो उनको कॉपी दी जाए जिस हिसाब से सावित्री जी को अगर ये जारी किया गया, या उनको जो जिस हिसाब से वो लेटर मिला, चूंकि अधिकार मोर्चा की तरफ से वो दिया ही नहीं गया, तो ऐसे में कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये किसी की साजिश है, और आप सब दोनों बहनें बेचारी आपस में लड़ती फिर रही हैं, जो मुझे बिल्कुल ही ठीक नहीं लगता। मैंने इस तरह की कल भी संभावनाएं व्यक्त की थी, लेकिन हमारी चीजों को नजरअंदाज कहीं ना कहीं किया गया, और आज भी बहनें आपस में उलझती नजर आई हैं। आरोप कोई लगाएगा उसको थोड़ा सोचना चाहिए बहनों, और बाकी जिन पर लगाए जा रहे हैं अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया है तो कितनी गलत बात है, उनको भी तो इन चीजों से तकलीफ होती है। तो मेरा अंततः यही कहना है कि अभी भी कुछ नहीं हुआ, अपने अधिकार मोर्चा की बहनों आप अपने आज कल परसों तीनों दिन के धरने प्रदर्शन को लेकर के तैयारियां करो, जोर शोर से आगे बढ़ो, वही है जो आपके काम आएगा, अन्यथा इन चीजों में उलझने से कुछ नहीं होगा सिवाय मानसिक तनाव के। कल भी मैं इन दोनों जो है चीजों के मामलों में यानी पचड़ों में कहीं ना कहीं उलझा जैसा रहा, जो ये चीजें सही नहीं है मेरे हिसाब से, मानसिक रूप से भी परेशानियां होती हैं। वहीं हम बात करें आगे चलें और भी चूंकि खबरें देनी है, और एक बड़ी दुख की बात है, हमारी ये बहन है जो कि अब हम सबके बीच में नहीं रही हैं, बहन का नाम है उषा मिश्रा, और ये आती हैं मूसेपुर जो ब्लॉक पड़ता है और लखीमपुर खीरी जनपद में, वहां से। तो इनका स्वर्गवास हो गया है, अपनी बहन की आत्मा उषा मिश्रा की शांति के लिए कमेंट बॉक्स में ओम शांति जरूर लिखिएगा। अब बात आते हैं मामला दरअसल क्या रहा, इस मामले को हमारे पास जो है भेजा गया है, तभी भेजा किसने है, भेजा है यहाँ पर नाम पड़ा है शिवम अवस्थी जी हैं जिन्होंने बताया है। अस्पतालों का एक भ्रष्टाचार का भी खुलासा किया है। आयुष्मान कार्ड हमारी इन बहन का बना था। हमारी भारत सरकार दावा करती है कि हम आंगनबाड़ी बहनों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज देंगे, तो हमारी इन बहन का भी ये रहा वो आयुष्मान कार्ड जो बना हुआ है। अब ऐसे में लेकिन हमारी बहन का हुआ क्या, बहन के घर वालों को कहा गया कि आप इस कार्ड के साथ में परिवार रजिस्टर की नकल लेकर के आए। करीब 2 लाख रुपया अस्पताल में इलाज के लिए अलग अलग मद में जमा करा लिए गए। बताइए, ये कार्ड होने के बावजूद भी हमारी बहन को इलाज नहीं मिल सका, और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी और हमारे केंद्र में बैठी मंत्री जी कई बार सदनों में चिल्ला करके बोली हैं कि आंगनबाड़ी बहनों को मुफ्त इलाज की सुविधा सरकार ने दी है। कहां गई वो सुविधा, अब आप देखिएगा कौन से हॉस्पिटल में इनका इलाज चल रहा था वो भी समझ लो। लिखा है, मेरी दीदी जी को जो है एक आंगनबाड़ी जो कि एक वर्कर थी और विभाग द्वारा उनका आयुष्मान कार्ड बनाया गया, पर विवेकानंद जैसे बड़े हॉस्पिटल में पैसों के चक्कर में इनका इलाज आयुष्मान कार्ड पर करने से इनकार कर दिया गया, क्योंकि बहन का जो राशन कार्ड नहीं बना था। आप यह बात सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को अपने चैनल के माध्यम से सुबह की खबर में जरूर बताएं, ताकि किसी को भी ऐसी दुर्घटना का शिकार ना होना पड़े। यानी यह आयुष्मान कार्ड हमारी बहन के काम नहीं आया, क्योंकि यहां पर विवेकानंद जैसा हॉस्पिटल बताया जा रहा है कि उन्होंने आयुष्मान कार्ड से इलाज करने को मना कर दिया। अब ये चीजें ऐसी हैं जो कि ये यहां पर कहा जा रहा है शिवम अवस्थी जी की तरफ से, तो कहना यही चाहेंगे कि अपनी बहन तो अब नहीं रही, उनकी आत्मा की शांति के लिए ओम शांति लिखिएगा, और बाकी आप सब बहनें अपने हिसाब से भी चीजों को थोड़ा समझिएगा कि हॉस्पिटल बहुत से ऐसे हैं जो आयुष्मान कार्ड का लाभ आपको नहीं देते हैं, जहां मिलता है वहां पर कहीं ना कहीं लंबी लाइन होगी, या सरकारी हॉस्पिटल जो होंगे वहां मिलेगा, और वहां पर इतनी ज़्यादा लंबी लाइन होती है जिसका कोई वो नहीं है। अब ऐसे में आप लोगों को और आगे ले चलें तो और भी कुछ बताएं। ज्ञानमती जी हैं, चित्रकूट जनपद से आती हैं, उन्होंने भी मोदी जी ने दरअसल अभी हाल ही में जो आंगनबाड़ी बहनें हैं
उनको लेकर के तो कुछ किया नहीं, लेकिन श्रमिकों को दर्जा दिया गया, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका न्यूनतम मजदूरी दर है वो वृद्धि किया गया, एक यानी तोहफा दिया गया। तो उस वो तोहफे से तो मैं खुश हूं क्योंकि श्रमिकों को मिला, उनके लिए खुश हूं, बाकी हमारी बहनों को नहीं मिला, इस बात का दुख तो है। अब इसी दुख में हमारी बहनों ने भी कुछ लिख करके भेजा है। भैया जी नमस्ते, ज्ञानमती आंगनबाड़ी ब्लॉक करवी जिला चित्रकूट, इस पोस्ट को पढ़िए और बताइए कि हम किस श्रेणी में आते हैं। प्रधानमंत्री जी ने तो सबकी श्रेणी और मानदेय अलग अलग लिख करके दिया, हमारी तो जैसे कोई श्रेणी ही नहीं है, हमारी तो जैसे पहचान ही जो है गायब है, और वैसे ही जो है हो गए हैं जैसे यहाँ पर कुत्ता घर का ना घाट का, और अपने घर का परिवार को जो है ना समय दे पा रहे हैं, ना ही अपनी सेहत पर जो है हमारी सभी बहनें काम कर पा रही हैं, एनीमिया का शिकार हो रही हैं। हम सबसे सरकार कहती है कुपोषण दूर करो, सरकार बोलती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या इस देश में और राज्य की बेटी हम नहीं हैं? हमको सरकार किस नज़र से देखती है, हमसे क्या चाहती है? आज तक हम बहनों को समझ नहीं आया, हमको मजबूर होकर के घर से निकल करके धरने पर बैठना पड़ता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी, आप हमारी बात को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, वो भी निडर होकर के, बहुत बहुत धन्यवाद।